सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा, अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा। वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, एसी और गार्डन रेस्टोरेंट। इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। विदर्भ स्टेट मूवमेंट कमेटी कोर कमेटी की बैठक दिनांक 23 नवंबर 2022 को मुख्यालय में आयोजित की गई। 2023 के अंत तक विदर्भ की मांग को पूरा करने के लिए विदर्भ को प्राप्त करने का संकल्प व्यक्त किया गया और इस मांग को पूरा करने के लिए हम लाठियां खाएंगे और गोलियां खाएंगे मगर विदर्भ राज्य प्राप्त करेंगे, ऐसा निर्धार किया गया। अब 19 दिसंबर को पूरे देश में संग्राम शुरू होगा और शुरू हुई है जंग हमारी, लड़ेंगे जीतेंगे के नारे के साथ तीव्र आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। विदर्भ में 10 सांसदों के इस्तीफे मांगने का प्रयोग विदर्भ के लोगों के बीच एक विश्वास निर्माता का रहा है। इस आंदोलन में 11 जिलों के 120 तालुकों के 10,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे और वे विधान परिषद पर आंदोलन में घोषणा करेंगे कि महाराष्ट्रियों को जाना चाहिए, अगली विधानसभा विदर्भ की होगी ना कि महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र के वादी विदर्भ से निकाले जाएंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त किया गया। महाराष्ट्र राज्य दिवालिया होने की कगार पर है और MSRDC ने किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने के 65,000 करोड़ का कर्जा लिया है। महाराष्ट्र राज्य पहले से ही 6,60,000 करोड़ के कर्ज और देनदारी के बोझ तले दब चुका है। महाराष्ट्र में 100 साल में भी इनका बकाया नहीं भरा जा सकता। इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, स्वतंत्र राज्य विदर्भ। यह आंदोलन 19 दिसंबर को दोपहर 1 बजे यशवंत स्टेडियम से शुरू होकर पंचशील चौक, झांसी रानी चौक, विविध चौक, विधान भवन होते हुए आगे बढ़ेगा। विदर्भ माजा, नाग विदर्भ आंदोलन समिति, जम्बूवंत राव धोटे, विखा मंच, राष्ट्रीय जनता दल आदि जैसे दलों और संगठनों ने आज की बैठक में इस आंदोलन को अपना जन समर्थन देने की घोषणा की। वामन राव चुटाप ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि अब हम लाठियां और गोलियां खाएंगे और 2023 के अंत से पहले विदर्भ राज्य हासिल कर लेंगे। विदर्भ के पूर्व अध्यक्ष अरुण केदार, युवा अघाड़ी, विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष मुकेश मसूरकर, नागपुर जिला अध्यक्ष सुधा पावड़े, नागपुर मंडल महिला अध्यक्ष रेखा निमजे, जिला महिला अघाड़ी अध्यक्ष सुधा पावड़े, कोर कमेटी सदस्य तात्या साहब मते, प्रभाकर कोंड बट्टनवार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। नहीं, आम्ही विधिमंडळावर कारण 2 वर्षानंतर आंदोलन होता, अधिवेशन होता है, म्हणून आम्ही यशवंत स्टेडियम वरून तिथे जाणार, विधा जिथे अडवतील तिथे सरकारला प्रश्न विचारणार की तुम्ही कबूल केलं होतं, तुमच्या खासदारांनी दिल्लीत सरकारमध्ये आहे त्यांनी लिखी दिलं होतं आणि तरी 8 वर्ष तुम्ही राज्य केलं नाही म्हणून तुम्ही खुर्चीत राहायचा अधिकार गमावला आहे आणि आम्ही त्यांना पृच्छा करणार की महाराष्ट्रवाद्यांनो खुर्ची सोडा, एवढंच नव्हे तर महाराष्ट्रवादी चले जाओ म्हणणार, बेरे अंगणे में तुम्हारा क्या काम आहे ही पृच्छा करणार, यासाठी म्हणून आम्ही तिथे जातोय आणि ऐलान करतोय की आमचं 23 डेडलाईन आहे राज्य मिळवायचं आणि आम्ही ऐलान करतो की सुरू हुई है जंग हमारी, लढेंगे जीतेंगे कटेंगे मगर हटेंगे नाही, लाठी खाऊ गोळी खाऊ विदर्भ राज्य मिळवून घेऊ, या तऱ्हेची घोषणा आम्ही करणार विधिमंडळावर। एक प्रकारे आता निर्धार पूर्ण झाला आहे, ठरलाय आमचा, आमची जी ब्लूप्रिंट आहे, आमचा प्रोग्रामिंग आहे त्याप्रमाणे ठरलाय की 2023 संपायच्या आत युद्धात आणि प्रेमात सगळं क्षम्य असतं म्हणून जे जे करायला पाहिजे ते करू, रणावीन स्वातंत्र्य कोणा मिळाले या जाणीवेने करू आणि सरकारला पहिले बादशे झालं त्यांनी म्हटल्यासारखं बातमी मुलाखतचे झालं आणि नंगे कोई खुदा डरताय अशी आमची खात्री झाली की फिरलाच से नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही आणि आम्ही त्यांना विचारणार आहोत की मार दिया जाए की छोड दिया जाए, बोलते रे साथ क्या सुलूक किया जाए। यावेळचं आंदोलन आक्रमक राहील, यापुढची सगळी आंदोलन आक्रमक राहील कारण आता नाकातोंडात बरंच पाणी वाहून गेलंय आणि आम्हाला वर्षभराच्या आत याचा पॉझिटिव्ह रिझल्ट घेऊन राज्य मिळून नव्या पिढी।
गुरुवार दिनांक 24 नवंबर 2022 को नवीन राजकीय विश्राम गृह पुणे में अनुसूचित जनजाति आयोग और अल्पसंख्यक आयोग राज्य अध्यक्ष और महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना के प्रांतीय अध्यक्ष जमो अभ्यंकर का पश्चिम महाराष्ट्र समन्वयक सुनील भाऊ जगताप के नेतृत्व में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुणे जिले के अधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। साथ ही नवीन राजकीय विश्राम गृह में यादव की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में अभ्यंकर ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने पश्चिमी महाराष्ट्र समन्वयक सुनील भाऊ जगताप और पुणे जिला पदाधिकारी के कार्यों की भी सराहना की और संगठन को बढ़ाने के लिए निर्देश देकर और प्रयास किए जाने चाहिए ऐसा कहा। संगठन को मजबूत करने के लिए पुणे शहर में शिक्षकों की एक बड़ी सभा का आदेश देते हुए अगला शिक्षक विधायक शिक्षक सेना का ही होगा ऐसी आशा व्यक्त की। अभ्यंकर के आदेश के अनुसार पश्चिमी महाराष्ट्र के शिक्षकों तक जल्द पहुंचने जनवरी 2023 में मेला लिया जाएगा ऐसा सुनील भाऊ जगताप ने कहा। इस अवसर पर पश्चिम महाराष्ट्र समन्वयक सुनील भाऊ जगताप पुणे जिला माध्यमिक विद्यालय के अध्यक्ष रविंद्र वाघ पुणे जिला प्राथमिक के अध्यक्ष एकनाथ अम्बले पुणे जिला प्राथमिक के महासचिव रंजीत बोत्रे पुणे जिला माध्यमिक उपाध्यक्ष बाला साहब आ रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बाला साहब पवार पुणे जिला महिला अघाड़ी पुणे शहर अध्यक्ष नीता गुंजीकर पुणे जिला गैर शिक्षक अध्यक्ष विवेक जगताप शंकर राव उठी राजेंद्र खेडेकर आदि बड़ी संख्या में अधिकारी और शिक्षक मौजूद थे। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान के बाद राजनीतिक उबाल है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं तो अब कोश्यारी को राज्यपाल भी नहीं मानता हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल ने पहले मराठी लोगों का अपमान किया, अब वे शिवाजी को लेकर आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। इसके पीछे किसका दिमाग है? उन्हें क्या नहीं पता कि बाप तो बाप होता है, फिर चाहे वो पुराना हो या फिर नया। ये लोग महाराष्ट्र के अस्मिता के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं मांग करता हूँ कि राज्यपाल को तुरंत हटाया जाए। वो बोले कुछ दिन के लिए इंतज़ार करेंगे, अगर मांग नहीं मानी गई तो राज्य बंद का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले राज्यपाल ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब एक पुराने आदर्श पुरानी बात बन गए हैं। अब आप बाबा साहब अंबेडकर से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक नए आदर्श बन चुके हैं, नए आदर्श चुन सकते हैं। राज्यपाल के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। उनके इस बयान पर शिवसेना नेता सांसद संजय राउत ने राज्यपाल को उनके पद से हटाने की मांग की। वहीं नितिन गडकरी ने भी राज्यपाल कोश्यारी के बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी हमारे भगवान हैं, वो हमारे माता पिता से भी ऊपर हैं। गडकरी के इस बयान से कोश्यारी को झटका लगा है। राज्य रहेगा तो हम रहेंगे, देश तो बड़ा है, देश तो रहना ही चाहिए, लेकिन राज्य की अस्मिता, राज्य का स्वाभिमान, उसको अगर ठेस पहुंचती है तो हमें इकट्ठा आकर उसका विरोध करना चाहिए। और कुछ दिन इंतजार करेंगे, 2-5 दिन इंतजार करेंगे, अगर ये जो पार्सल है वो आया था अमेजोन से, वो अमेजोन से वापस जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसको वापस भेजना पड़ेगा। और नई कोई काबिल व्यक्ति मार्च में इस स्थान पर आनी चाहिए, अन्यथा हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र बंद की बात हो या विराट मोर्चा की बात हो या देखा जाएगा, सबको साथ में। शिवाजी महाराज आमचं दैवत आहे, आमच्या आई वडिलांपेक्षा देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आमची निष्ठा आहे, कारण त्यांचं जीवन आमचा आदर्श आहे। यशवंत कीर्तिवंत वरदवंत सामर्थ्यवंत जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निधारू श्रीमंत योगी। डीएड बीएड कॉलेज मागणारा राजा नव्हता, वेळ पडली तर आपल्या मुलालाही कठोर शिक्षा देणारा राजा होता। सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी, श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरु सेवन 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ, श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल अपल्या चंद्रपूर मध्ये, श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल वेडिंग कलेक्शंस, ब्राइडल लहंगास, सारीज, चुड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर, 18 अक्टूबर रोजी महा शुभारंभ, श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र।